नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वार्स एंड हाउ में आपका स्वागत है। आज मैं इस ट्यूटोरियल में आपको बताने जा रहा हूं कि लेनोवो सर्वर टावर सर्वर ST550 में रेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे और इसके अंदर आप जो है OS कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने जस्ट सर्वर को ऑन किया है और फर्स्ट स्टेप है मेरा F1 प्रेस किया है। F1 प्रेस करेंगे तो थोड़ी देर तक ये वेट करेगा क्लियरिटी प्रोविजनिंग मैनेजर को ओपन करने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे F1 प्रेस किया है, अब सिस्टम का सेटअप ओपन करेगा। एक्स क्लियरिटी प्रोविजनिंग मैनेजर इसके साथ ओपन होगा। तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे ओपन लोडिंग हो रहा है। यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए बोल रहा है, तो इसको हम कुछ नहीं करते हैं, जस्ट मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। रेट कॉन्फ़िगर करना हम शुरू करते हैं। यहाँ पे रेट कॉन्फ़िगर करने के लिए इस सर्वर में पर्टिकुलर आपको मैं बताऊँगा कि इसके रेट के सेटअप में हमें नहीं जाना है। हमें इसमें रेट के सेटअप में नहीं जाना है, ये बिल्कुल अलग सा सर्वर है। इसके लिए हमें UEFI सेटअप में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे UEFI सेटअप, रेट कॉन्फ़िगरेशन ऊपर दे रखा है लेकिन उसमें कोई हार्ड डिस्क नहीं दिखा रहा है। तो उसमें UEFI सेटअप में जाने के बाद हमें जाना है सिस्टम सेटिंग्स के अंदर। ऊपर सिस्टम सेटिंग्स में जब आप जाएंगे तो नीचे सबसे लास्ट में देखेंगे आप स्टोरेज मैन का ऑप्शन आएगा। ये देखिए, यहाँ पे स्टोरेज का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है आपको। स्टोरेज पे क्लिक करेंगे, इसमें दो लैन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। इंटेल का वर्चुअल लैन कार्ड दिखा रहा है जो कि इसका जो है इंटरनल लैन कार्ड है, और दूसरा दिखा रहा है जो है ई साटा का। तो जो ई साटा वाला इसमें ऑप्शन है उसी को हमें सेलेक्ट करना है और क्रिएट रेड पे हमें क्लिक कर देना है। अब रेड में हमें कौन सा लेवल लेना है, रेड वन मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। मेरे कंप्यूटर में दो हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, टू टी बी की दो हार्ड डिस्क हैं और मैं यहाँ पे रेड वन कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और दोनों में मैं हार्ड डिस्क को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि एक्स नेम से आ रही है। तो जब मैंने रेड वन कॉन्फ़िगर किया तो 1769 GB का मुझे रेड जो है कॉन्फ़िगर हुआ है, वॉल्यूम जीरो रेड वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1769 GB का, मतलब टोटल 4 TB का स्टोरेज था जिसमें इतना मुझे मिला है। तो ये अभी सेव कर रहा है, मैंने सेव पे क्लिक किया है, ये मेरा रेड जो है कॉन्फ़िगर हो गया है। रेड यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है। दूसरा स्टेप यहाँ पे है, अभी आगे भी मैं आपको रेड के बारे में दिखा दूँगा एक आधी स्टेप है। और OS इंस्टॉलेशन में मैंने यहाँ पे किया है गाइडेड इंस्टॉलेशन। गाइडेड इंस्टॉलेशन पे करने के बाद यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पे तो OS के लिए पूछ रहा है कौन सा करना है, लिनक्स है, उबंटू है, ओपन सोर्स है। तो मुझे तो यहाँ पे विंडोज़ सर्वर 2012 R2 करना है, तो मैं विंडोज़ सर्वर 2012 R2 कर लेता हूँ। एसेंशियल मुझे करना है तो मैं यहाँ पे एसेंशियल चूज कर लेता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ से एसेंशियल। मैंने अपनी बूटेबल USB ड्राइव लगा रखा है, मैंने पेन ड्राइव बना रखा है, USB पेन ड्राइव बूटेबल, इसलिए मैं अपना पेन ड्राइव यूज़ करूँगा यहाँ पे। इसके अंदर मेरा विंडोज सर्वर 2012 R2 एसेंशियल है। नेटवर्क का ऑप्शन मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। इसके नीचे एडवांस के ऑप्शन में भी काफ़ी चीज़ें हैं। ये कुछ एरर दे रहा है, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है कि मतलब इसको विंडोज़ कि CD इसको नहीं मिल रही है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, रीस्टार्ट कर लेता हूँ या पेन ड्राइव को अपने दोबारा से लगा लेता हूँ, फिर से सर्च करता हूँ। R2 एसेंशियल है, विंडोज इमेज, फिर से एक बार मैं रीस्टार्ट करने के बाद मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट किया है और पेन ड्राइव को बूटेबल पेन ड्राइव को इंसर्ट करके दोबारा लगाया है। जो एरर आ रहा था, कह रहा था कि हमें जो है कोई मीडिया नहीं मिला है। तो ये यहाँ पे आ गया सेविंग सेटिंग, और यहाँ पे इंस्टॉलेशन विद GUI मुझे करना है और ऑप्शन में UEFI। CD की के लिए नहीं, चले पूछ रहा है। मैं लाइसेंस की के लिए, मैंने यहाँ पे अभी लाइसेंस की मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ और मैं उसको छोड़ दे रहा हूँ। और बाकी एडवांस में काफ़ी ऑप्शंस हैं,
तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ। इसमें रिमेंबर कि ये लोकल एडमिन का पासवर्ड है, यू हैव टू नोट इट डाउन समवेयर सो दैट इफ़ समटाइम यू फॉरगेट इट यू कैन सी एंड यू कैन लॉग इन थ्रू। सो और ये ऊपर देखो मेरा कंप्यूटर का नेम बोल रहा है, तो मैं यहाँ कोई सर्वर RPT SRVR कर लेता हूँ। मैं इसको SRVR 2 कर दिया और मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे इसको DHCP सर्वर अगर मुझे बनाना है तो वो सब करना है, तो वो आप यहीं पे DNS या DHCP कर सकते हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप। इसी टाइम पे आप डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं या DHCP सर्वर के थ्रू है, कैसे IP कैसे लेना है, मैनुअल डालना है, वो सारा कुछ आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 लाइन कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है, इसके अंदर में 2 लाइन कार्ड है और एक जो है उसका इनबिल्ट लाइन कार्ड है। इसमें 2 लाइन कार्ड है, लाइन कार्ड 1 और लाइन कार्ड 2 के नाम से। मैं OS इंस्टॉलेशन के लिए यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पार्टीशन जो मेरा 1700 GB का बना हुआ था, 1769 GB का, उसमें से 500 GB का लगभग मैं ले लेता हूँ सी ड्राइव के लिए, जिसमें सी ड्राइव में मैं OS इंस्टॉल करूँगा। तो थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं इसको अरेंज करके, या आप मैनुअली भी इसमें टाइप कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसमें मैनुअली भी टाइप कर देंगे तो ये जो है स्टोरेज मैनुअली भी ले लेगा। मैंने 500 GB इसमें कर दिया है और यहाँ पे लाइसेंस का एग्रीमेंट है माइक्रोसॉफ्ट का, और द इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट इज़ बीइंग क्रिएटेड एंड विल टेक सेवरल मिनट्स। तो ये कई बार रिस्टार्ट होगा कई, तो जब तक हम इंस्टॉलेशन तक हमें वेट करते हैं। ये अभी फाइल लोडिंग कर रहा है यहाँ पे। सॉरी, ये जब तक फाइल लोडिंग कर रहा है तब तक ये देखिए स्टार्ट सेटअप इज स्टार्टिंग। तो इसमें कुछ नहीं, विंडो इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे शुरू हो गया है, इमेज को अप्लाई कर रहा है वो 24%। तो ये विंडो, ये मेरा लेनोवो का टावर सर्वर है ST550, जिसमें 8 GB की रैम है और ये 2 TB स्टोरेज के साथ में आता है। 2 TB स्टोरेज मैंने इसमें एक्स्ट्रा परचेज़ किया हुआ है, अगर आप करना चाहें तो कर लें, नहीं तो 2 GB पे भी आप चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको रेट कन्फिगर करना है तो यू मस्ट हैव 2 हार्ड डिस्क, इसलिए मैंने इसमें रेट कन्फिगर करना है तो 2 TB 2 TB की 2 हार्ड डिस्क मैंने यहाँ पर लगा रखा है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का प्रोसेस इसमें चल रहा है अभी। ये सेटअप इज स्टार्टिंग, तो ये बस इंस्टॉलेशन जो है अबाउट टू कंप्लीट है अभी जो है, जब तक इंस्टॉल नहीं कर। देखिए यहाँ पे हमें जो है प्रोडक्ट की मांग रहा है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की आप एंटर कर दीजिए। प्रोडक्ट की एंटर करने के बाद नेक्स्ट करिए। मैंने यहाँ पे ये प्रोडक्ट की एंटर कर दिया है। जो मैंने प्रोडक्ट की आपको दिखाया है वो प्रोडक्ट की जेनुइन नहीं था, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन मैंने बाद में प्रोडक्ट की को एंटर किया है। ये देखिए कलेक्टिंग ट्रांजेक्शन और ये देखिए गेटिंग 50%, यहाँ पर इंस्टॉलेशन हो गया है। हाँ, मैं CD की मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट के टर्म और लाइसेंस के अगेंस्ट है। जो मैंने वहाँ पे लाइसेंस का जो 3 डिजिट्स मैंने दिखाया था वो भी जो है यूं ही था, मैंने बाद में उसको इंसर्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे ये जितने भी ड्राइवर्स हैं वो जो है ड्राइवर इसमें इंस्टॉल कर रहा है, और लेनोवो का सर्वर ST550 के अंदर आप विंडोज सर्वर 2012 R2 से नीचे आप कोई भी विंडो इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर आप इंस्टॉल तो कर सकते हैं, यू बूट सिक्योरिटी ऑप्शन को डिसेबल करके बायोस के अंदर जा करके UEFI को डिसेबल करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी विंडो, लेकिन उस केस में आपको ड्राइवर में प्रॉब्लम आएगा, सर्वर के जो परफॉर्मेंस में उसमें प्रॉब्लम आएगा। तो इसलिए ये देखिए मेरी विंडोज सर्वर 2012 में इंस्टॉल हो गया है इसमें,
और ये अब बाकी जो है इंस्टॉलेशन के लिए पूछ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।